13 दिसंबर 2001 संसद पर हुए आतंकी हमले के सामने पहली बाधा महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी कृतज्ञ राष्ट्र ने सम्मानित किया अशोक चक्र से। 17 दिसंबर 2001 श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुआ आत्मघाती हमला पहला प्रतिरोध कांस्टेबल बिंदु कुमरे मरणोपरांत शौर्य वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित। 5 जुलाई 2005 अयोध्या परिसर पर हुआ आत्मघाती हमला नाकामयाब किया सहायक कमांडेंट संतो देवी और उनकी टुकड़ी ने राष्ट्रपति के शौर्य वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित। 31 अगस्त 1988 श्रीलंका 1192 डेटोनेटर बरामद कारनामा अंजाम दिया महिला कांस्टेबल विमला देवी ने सेना पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला पुलिस कांस्टेबल। I am young and I too have a dream. I dream of an India. पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का बयान कि मैं जवान हूं और मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। उन्हीं के ख्वाब की तासीर हैं ये तस्वीरें। 30 मार्च 1987 को 44 हफ्ते के कड़े प्रशिक्षण के बाद देश और दुनिया की पहली महिला बटालियन की पासिंग आउट परेड दिल्ली में हुई। श्री राजीव गांधी स्वयं मौजूद थे इनके साथ इनकी पासिंग आउट परेड पर सलामी लेने के लिए। देश के दूर दराज के पिछड़े इलाकों से आई इन महिलाओं को मिली वर्दी प्रशिक्षण और आगे बढ़ने का मौका। महिला सशक्तिकरण क्या है शायद इनसे बढ़कर और कोई नहीं बता सकता। मेरठ दिल्ली श्रीनगर गुवाहाटी मणिपुर और अयोध्या हर जगह 88वीं बटालियन की महिला कर्मियों ने अपनी उपयोगिता साबित की। एक अशोक चक्र एक सेना पदक एक राष्ट्रपति का वीरता का पुलिस पदक 2 वीरता के पुलिस पदक 5 सराहनीय सेवा पदक 512 आंतरिक सुरक्षा पदक 1125 पुलिस स्पेशल ड्यूटी पदक और 25 महानिदेशक की प्रशंसा डिस्क अपने आप में स्वयं अपनी कहानी कहते हैं। इस महिला बटालियन की सफलता को देखते हुए एक और महिला बटालियन का गठन हुआ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 135वीं बटालियन। 2 और बटालियनों के गठन की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले रैपिड एक्शन फोर्स की 10 बटालियनों के अंदर एक महिला टुकड़ी का समावेश हो चुका था। CRPF की इन महिला टुकड़ियों ने एक ऊंची उड़ान तब भरी जब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शांति के अपने प्रयासों में इन्हें शामिल करने की मांग की। इन प्रयासों के तहत इनकी तैनाती हेती और लाइबेरिया में हुई। ये दुनिया में पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र ने अपने शांति मिशन के तहत किसी पहले महिला दस्ते यानी फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट या FFPU का गठन किया। आज हर राज्य हर विकट स्थिति में CRPF को उसके महिला दस्ते के साथ याद करता है। चाहे वो राजस्थान में आंदोलन हो पुरी की जगन्नाथ यात्रा हो हरिद्वार का महाकुंभ हो हज यात्रियों की सुरक्षा हो अमरनाथ यात्रा हो या फिर अन्य राहत कार्य। खेल के मैदान में भी पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली कुंजा रानी और अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदकों से सम्मानित गीता रानी एन लक्ष्मी शिल्पी सिंह तोम्बी देवी अनीता चानू और सोना माचा चानू इसी महिला बटालियन की देन है देश को। 25 साल पहले प्रयोग के तौर पर धरातल पर उतरा एक विचार अब सिर्फ देश ही नहीं विदेशियों को भी उद्वेलित करता है। इस विचार ने न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को एक दिशा दी है बल्कि विचार को साकार होने के लिए एक धरातल भी प्रदान किया है। यही वजह है कि आज महिला बटालियन की तर्ज पर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी महिला बटालियन के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस प्रक्रिया में सहयोगी हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बटालियन। ये न सिर्फ हमारी सफलता की कहानी है बल्कि ये एक दास्तान है जिसकी रोशनी में आगे बढ़ने को कई और कतारें तैयार हैं। CRPF is a great force. It has got many unique features. Its Mahila Battalion being one such. Both within the country and outside, be it Ayodhya or Parliament or Haiti or Liberia, they have won the hearts and minds of people by their sheer dedication and hard work. On the eve of
the Silver Jubilee. I wish its present and former members all the very best and commend the services. Jai Hind.